है। हाँ जी, घर में कोई नहीं रहते हैं, तो बाहर में सेवा करने नहीं जा पाते। हाँ, ये किसने कहा कि जो जिसके घर में दुकान खुली हुई है वो बाहर जाना जरूरी है? है? अरे अपने घर में ही दुकान खुली हुई है तो बाहर जाना जरूरी है क्या? नहीं। हाँ, राधा कृष्ण के बीच में उद्धव आ जाते हैं। हाँ हाँ, उच्च माने ऊपर और धव माने दौड़ना। जिसकी बुद्धि ऊपर ही दौड़ती है, नीचे की दुनिया से ऊपर आम हो चुकी है। अब बताओ कौन सी आत्मा है? हाँ? वो कौन सी आत्मा है? राम की आत्मा है। उसकी बुद्धि एकलव्य के रूप में ऊपर ही दौड़ने वाली है, नीचे जाने वाली नहीं है। तो वो उद्धव है। वो अपने कौन सा पाठ पढ़ाएगा कि निराकारी बनू? और राधा और गोपियां क्या चाहती है? हमें साकार चाहिए, हमें निराकार नहीं चाहिए। हाँ, अरे दुनिया में कन्याओं को माता कैसे बनाया एक बच्ची को नहीं मालूम है? इस बच्ची को यही पता नहीं है कि दुनिया में कन्याओं को माता कैसे बनाया जाता है। अरे माताएं बजारा समझा दिया करो, हम तो पुरुष हैं नहीं समझा पा रहे। बेचारी बड़ी ना समझ है, है? उसे बहुत डर लगा रहता है, पता नहीं कैसे माता बना दिया जाएगा, इसलिए सरेंडर भी नहीं होती है। इसको बहुत गुस्सा आती है इस बात पर। हाँ, और कौन कौन जोर से कौन? आपने समझ लिया उसे बताओ। हाँ, धागा जो है जब होलिका जलाई जाती है, होली, तो घर घर में वो बनाते हैं कोकी। उत्तर भारत में उसे गुलरिया कहते हैं। कोकियों में धागा डाला जाता है, है? वो धागा है स्नेह का धागा। क्या? स्नेह का धागा। और जो कोकी है वो गोबर की बनी हुई है। काई की बनी हुई है? गोबर। तो जो गाय का गोबर हो या जानवर का गोबर हो, वो गोबर है वास्तव में देह की यादगार है, देह भान की यादगार है। लेकिन जिस देह के अंदर परमात्मा स्नेह का धागा भरा हुआ है, वो धागा नहीं कटेगा, टूटेगा, जलेगा। और कोकी जल जाती है। जैसे कि स्नेह का धागा प्रहलाद के अंदर पड़ा हुआ था, प्रहलाद नहीं जला और होलिका जल गई। हाँ जी, हाँ जी। सबसे बड़ा जानवर शंकराचार्य। हाँ, बराबर। आप क्या शिवाचार्य को समझते? हाँ, हाँ? क्यों? सारी दुनिया को
परमात्मा सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी कह करके क्या बना दिया, जानवर बुद्धि बना दिया या पारस बुद्धि बना दिया है? तो सबसे बड़ा जानवर हुआ ना, इससे बड़ा जानवर तो कोई होता ही नहीं। हाँ हाँ, ऐसा शिव का रूप है, है? शिव का रूप है। नहीं, शिव बिंदी का नाम है। क्या शिव किसका नाम है? बिंदी का नाम है। वो रौद्र रूप नहीं धारण करती, क्या विकराल रूप नहीं धारण करती वो बिंदी। वो शिव सदैव कल्याणकारी है। शिव माने क्या? कल्याणकारी। वो कभी अकल्याण करती ही नहीं। और रुद्र है, रुद्र क्या करता है? ऐसा रौद्र रूप धारण करता है, सारी दुनिया को खलास कर देता है। उसके द्वारा रुद्र ज्ञान यज्ञ की शुरुआत होती है, शिव के द्वारा नहीं। किसके द्वारा? रुद्र के द्वारा। आदि में भी वो पार्ट बजाया था जो सिंध हैदराबाद से सारा टंडीला उखाड़ दिया, जो आदि में हुआ तो अंत में बड़े रूप में होगा। और हाँ बोलो बोलो बोलो। अरे भाई को एक बात तो पूरी कर लेने दो। हाँ, तो 5 साल का मुरली है। ऐसा कुछ नहीं, 5 साल की मुरली जो विधर्मी है उन आत्माओं के पास बच गई, और बाकी 13 साल की मुरली खत्म कर दी। क्योंकि विधर्मी जो है वो भगवान के साकार रूप को नहीं मानते, इसलिए उसका महत्व नहीं देते। वो सारे ही 68 तक जितने भी भरे हुए थे वो सब विधर्मी, थोड़ी सी आत्माएं थी अंश मात्र जो सनातन धर्म की पक्की है। बता दिया ना, जब कराची से आए थे तो जो पीयू की वाणी थी उस पीयू की वाणी को उन्होंने दबा के रख दिया। वो मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी। दूसरी बात, 51-52 से जब से कमला नगर सेंटर खुला, सेवा की शुरुआत हुई, सेवा केंद्र बना, तब से लेकर के और 63 तक वाणियों की वैल्यू न होने के कारण उनको खलास करते रहे। वो वाणियां गीता पाठशालाओं में कहीं तो रखी होंगी कि नहीं रखी होंगी? कहीं न कहीं रखी होंगी। जब आवाज निकलेगी भगवान के स्वरूप को पहचानेंगे तो गीता पाठशाला वाले कितने भी बड़े भगत क्यों न हो, ब्रह्मा कुमारियों के, वो वाणियां निकाल करके मैदान में रख देंगे। और हाँ जी, अमृत अवस्था जाने का पुरुषार्थ क्या है? ऐसा कर्म करो बाबा की याद में रह करके, जो कर्म से अतीत रहो। हाँ, कर्म बंधन न बंधे,
जैसे महबूब होता है, महबूबा की याद में कारखाने में काम करता है या कारखाने जाता है, आंखें खुली हुई रोती है, कौन कौन आंखों के सामने से गुजर गया उसे पता ही नहीं। आंखें इंद्रियां खुली हुई है, लेकिन आंख ने काम क्यों नहीं किया? क्योंकि मन महबूबा की तरफ है। तो ऐसे ही परमपिता परमात्मा की याद इतनी गहरी हो कि दूसरा कोई इंद्रियों से अनुभव में ना आवे। क्या ऐसे नहीं इंद्रियों से कर्म करना छोड़ देना है? क्या कर्म योगी तो हैं, कर्म सन्यासी नहीं है, लेकिन कर्म ऐसी गहरी याद में रह करके करें कि कर्म का लेप छेप हमारा मन बुद्धि न पकड़े। मन बुद्धि जब कर्म का लेप छेप नहीं पकड़ेगी तो उसका सुख दुख अनुभव होगा ही नहीं, तो पाप पुण्य बनेगा ही नहीं, तो कर्म से अतीत अवस्था बन जाएगी। हाँ। शंकर वाली आत्मा अपना काम बनती है, उसको भस्म करती है, विनाश करती है, वो अपवित्र कैसे बनते हैं? विनाश कैसे कर सकते हैं? शंकर वाली आत्मा एक है या दो है? भूल गए? अभी अभी बताया, अभी अभी भूल गए। अरे शंकर माने मिक्स, शंकर माने मिक्स, मिश्रण, उसको कहते हैं शंकर। तो एक आत्मा है या तीन तीन आत्माएं हैं? तो विनाश का काम कौन करेगी? जो स्थापना करेगा तो विनाश भी करेगा। हाँ योग क्या है? और इसने प्यार है, ये जो इसने है, जो प्यार है, उससे आत्मा तृप्त होती है या नहीं होती है? है आत्मा तृप्त होती है, वो भोजन हो गया है। तो महाराष्ट्र राजा को छत्रपति है, महाराष्ट्र राजा को छत्रपति और गुजरात राजा को नरपति है, पूरी राजा को गजपति क्यों कहते हैं? पूरी राजाओं को क्या कहते हैं? गजपति। गजपति ज्यादा देवान होगा है, तो महारथी, हाथी रूपी महारथी, लेकिन हाथियों में क्या ज्यादा होता है? देहभान बहुत होता है, भगवान को भी गाली देने से नहीं चूकेंगे। क्या जैसे बंदर गुजर रहा हो, हाथी भी गुजर रहा हो, तो हाथी तो झूमता जामता चला जाता है, बंदर बंदर क्या करता है? उसको भी गुड़की मारता है। तो बंदर में ज्यादा विकार हुआ, देहभान हुआ, या हाथी में ज्यादा हुआ? है बंदर में ज्यादा हुआ। तो ये दिखाया गया है कि हाथी जैसे देह अभिमानी में भी इतना देहभान नहीं है जितना बंदर में। तो हाथी प्रसिद्ध है देह अभिमानी के लिए, बहुत झूम झूम के चलता है। हाँ नारायण समझते हैं, हाथ बटन देते हैं और हाथ बटन देते हैं, हाथ बटन देते हैं, सात पौड़ी क्या है? सात कौड़ियां देते हैं,
खेलने के लिए देते हैं, है? सात कौड़ियों से खेलते हैं, है वो डोमिनेट करता है दूसरे को, डोमिनेट करता है, है? तो हमारा यहाँ तो नाच चला रहा है ना, नारी को लक्ष्य बनाने के लिए यहाँ का पढ़ाई में, तो ये सात बजे कौन सा है? सात वचन कौन सा है? सात कौड़ी आदेश है या सात वचन क्या है? माने एक एक वचन देते जाते, एक एक कौड़ी देते जाते हैं। माने यहाँ का बात पूछते हैं, प्रचलन है सात कौड़ी आदेश है, शादी का बाद में खेल सब जगह नहीं, ओडिशा नहीं होता और कहीं नहीं होता है, वचन तो सब जगह होता है, तो या खेलने का जो परंपरा है ना बाबा, वो खेलते हैं वो उठाते फिर वो फेंकता है, क्या क्या करते हैं, पौड़ियाँ उठाते हैं, कहते हैं जो जीत जाता है, है? जो जीत जाता है किस बात में जीत जाता है, कौड़ी खेल क्या है, कौड़ियों का खेल है, कौड़ी माने धन नहीं होता है, कौड़ी माने स्त्री, स्त्री का जो आकार है वो कौड़ी जैसा है, उसको कौड़ी कहते हैं, वो फूटी भी होती है और साबित भी होती है, जो बैल होता है ना, जो गली गली में लिए लिए फिरते हैं, वो बैल के चारों ओर क्या लगा देते हैं, कौड़ी कौड़ी लगा देते हैं, वो कौन सा बैल है, अरे ना दिया उसने कुछ नहीं दिया, मुरली में क्या बोलते हैं बाबा, ब्रह्मा से या क्राइस्ट से कुछ प्राप्ति होने वाली नहीं है, तो ना दिया है वो, उसके चारों तरफ कौड़ियां ही कौड़ियां लगी हुई है, कितनी कौड़ियां हैं, हजारों कौड़ियां लगी हुई हैं, तो कौड़ी का अर्थ जो है जो आप लगा रहे हैं वो नहीं है, एक एक वचन बोलते हैं और एक बार घूमते हैं, हाँ वो तो ठीक है, जो नारायण है वो नारायण के नीचे कितनी कौड़ियां हैं, सात नारायण ही है और सात नारायण, उनके साथ ज्ञान रत्न से खेलेंगे ना, वो कौड़ियाँ भी हैं बाबा, शिव के मंदिर में के सामने बैल को दिखाते हैं, है? और जगन्नाथ मंदिर के सामने गरुड़ स्तंभ दिखाते हैं, है जी, उसमें क्या राज है बाबा, गरुड़ है विष्णु का वाहन, गरुड़ कोई पक्षी होता नहीं है, लेकिन कहते हैं कि सांप को खा जाता है, मोस्टली मोर को गरुड़ मानते हैं, वैसे मयूर के ऊपर सवारी किसकी दिखाते हैं, कार्तिकेय की दिखाते हैं, तो मोर अलग हो जाता है गरुड़ अलग हो जाता है, मोर की पूंछ बहुत प्रसिद्ध है और गरुड़ की पूंछ इतनी लंबी नहीं होती है, तो जो गरुड़ दिखाया जाता है वो जगन्नाथ के सामने एक बहुत बड़ा पिलर है, स्तंभ, उस स्तंभ को पिलर के रूप में माने जिसके ऊपर सारा वजन डाला जाता है, है? हाँ, वो हाँ, और स्तंभ के रूप में दिखाते हैं, जैसे ये सिख लोग हैं तो सिख लोगों का जो गुरुद्वारा होता है उसके सामने एक स्तंभ रख देते हैं, ऐसे ही जगन्नाथ के सामने वो स्तंभ रखा हुआ है, वो खंभा है, जैसे दिखाते हैं खंभे में से कौन निकला, नरसिंह निकला, नर के रूप में शेर का पार्ट बजाने वाला निकला, तो कौन है नर के रूप में शेर का पार्ट बजाने वाला, त्रिमूर्ति में एक ही शेर है, बाकी तो बकरी और बैल या घोड़ा है, तो कौन शेर है, जो प्रजापिता है उसका जो पार्ट है वो स्तंभ के रूप में दिखाया गया है, उसको गरुड़ कह दिया है, और बाबा वही मंदिर में जब प्रसाद जब बनता है उसको उसका झूठन खाने का क्या परंपरा चल रहा है, झूठा तक इसे खाना सही नहीं है, चंडाल ब्राह्मण सब प्रसाद खाके और मुंडी में लगाते हैं, एक थाली में बैठ के खा सकते हैं,
जगन्नाथ की झूठन खाना तो अच्छी बात है, चलो चलेगा, लेकिन एक दूसरे की झूठन खाना ये तो अच्छी बात नहीं है, ये तो परंपरा ही गलत हो गई क्या। तो उड़ीसा वालों ने ज्यादा एक दूसरे की झूठन खाई होगी, हाँ गलत काम किया होगा, संगम युग की बात है। बिहार वालों ने इतना नहीं किया होगा जितना है, है नहीं थी, इतने गरीब गाय के लिए बनते है। देयर इज प्योरिटी, देयर इज पीस एंड प्रॉस्पेरिटी है। ये माता इसको मुंह नहीं है, हाँ हिंदी नहीं जानती माता है। वो जो फौजी छोड़ देते हैं, जो फौजी छोड़ देते हैं है, और कोई शनिवार ना मंगलवार क्या क्या अमावस्या में फौजी छोड़ते हैं, यही से बोलते हैं जो उसको पुष्कर लगा है, वो पुष्कर का मीनिंग क्या है, पुष्कर लगा पुष्कर मतलब पुष्कर विमान में हो गया स्वर्ग बोलते हैं, प्रचलन है, पुष्कर लग गया, क्या लग गया, पुष्कर लग गया जो उसी से दिन जो शरीर छोड़ते हैं, शनिवार मंगलवार और अमावस्या घर वालों के लिए शुभ नहीं होता है, शरीर छोड़ा उसकी वो पुष्पक विमान में स्वर्ग चला गया परिवार के लिए, अरे जो वो स्वर्ग चला गया और परिवार वाले बेचारे दुखी होते रह गए, इसके लिए बहुत लगते हैं बाबा, वो आते हैं है? कुछ पूरे घर में आते हैं उसी को पुष्कर बोलते हैं, मतलब वो आत्मा जो शरीर छूट गया इसी रूप शरीर छूट गया माता जी बोलते हैं, वो फिर आते जाते हैं घूमते रहते हैं उसका जो सूक्ष्म शरीर अच्छा पहले जो परंपराएं हैं उनको अच्छी तरह समझ लो तब पूछना, ये परंपरा लोक प्रचलन है, लोक प्रचलन जो भी है, अभी तो अध्यक्ष वाणी में बोल दिया कि जो शादियों आदि में जितनी परंपराएं होती हैं वो सब परंपराएं यहाँ की डाली हुई है संगम युग की है। है क्योंकि जो कन्या होती है जो अर्पण की जाती है वो कन्या का मन जो है वो अपने पहले वाले घर की तरफ भागता रहता है, और वो कन्या कौन है जो पहले पहले अर्पण हुई, जगदम्बा, जो जगदम्बा करेगी तो उसकी भुजाएं भी वही काम करेंगी, क्या करेंगी, हाँ बार बार घर में भागती है, क्या कंपिल छोड़ के कहाँ भागती है, हाँ? दिल्ली भागती, तो बार बार भागेगी तो कितने फेरे होंगे, कम से कम 7 फेरे हो जाते हैं, 7 फेरे होने के बाद फिर बन जाती है, हाँ। और हाँ। आती है, हाँ? हाँ? नीचे आती है तो फूल के रूप में आती है, फूलों के रूप में आती है, किसने कहा, वार्तालाप में सुना, कोई ने सुना कि परम धाम से मनुष्य सृष्टि का बीज जब उतरता है, प्रजापिता वाली आत्मा जब उतरती है तो फूल के रूप में आती है, हाँ? तो सभी आत्मा नीचे आती है, वो कभी नीचे आती है कि नहीं, बाबा ने बोला है आती है तो आती है, जो परिणाम से आते हैं तो पवित्र होते हैं ना, हाँ हाँ, जब मनुष्य सृष्टि के बीच हाँ है, वो कभी नीचे आती है कि नहीं, बाबा ने उत्तर दिया है आती है, हाँ? आती है तब फूल के रूप में आती है, पेड़ बढ़ जाती है तो उसमें फूल निकलता है, नीचे नहीं आती है, वो वृक्ष जो है ऊपर लगते हैं फल और फूल,
और नीचे उल्टा करके दिखाया गया है क्या जो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है वो उल्टा करके दिखाया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष जब पूरा पक जाता है, फल फूल सब पक जाते हैं, तो उनमें पहला पहला फल तो कोई पकता होगा। जब कोई बाग लगाते हैं तो बाग लगाने के लिए जो बीज डाला जाता है वो पहला फल का बीज डाला जाता है अच्छा समझा जाता है, या बाद वाले फल चुने जाते हैं? पहला फल अच्छा माना जाता है। तो ऐसे ही मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ जब पक गया, 500-700 करोड़ होने पर आया, तो वो ऊपर से नीचे आता है, जो पहले ऊपर था ऊंची स्टेज में था संगम में वो नीचे आया, और नीचे जब आता है तो अंत में आकर के सारे वृक्ष से अपने को क्या कर देता है, डिटैच कर देता है। तो ये बात दिखाई गई। आप अलग हो जाती है, फूल अलग बात, फल अलग बात, फिर फल के अंदर बीज वो अलग बात। फूल तो वो है जो सुखदाई है, खुशबू देते हैं, बदबू वाले भी फूल है। फूल जो है वो अर्पण किए जाते हैं, फल भी अर्पण किए जाते हैं। फल वो है जो फूल के बाद फल बनते हैं। फूल से किसकी पैदाइश होती है? फलों की। फिर फलों के अंदर बीज निकलता है। तो जो फल है, फलदाई फल है, उन फलों के अंदर से वो बीज निकलता है, जिसको कहते हैं रुद्रबाला के बीज। ब्राह्मण की दुनिया में वो फल कौन सा है जिनके प्रजापिता वाले बीज निकला? पहला फल, पहला फल 70 में तो बीज हो गया, वो फल कौन सर पता नहीं। ब्रह्म में ही तो नहीं, ब्रह्मा के पेट में से ही तो निकलता है। मैं किसी को ना पाप देता हूँ ना पुण्य देता हूँ। पाप करते हैं तुम्हारे बाप है, पुण्य भी करते हैं तुम्हारे बाप है। वो कौन सा बाप है? है वो ऊपर जो बोलने वाला है, गीता के जो श्लोक बोलता है वो तो इन्होंने मनुष्यों के बनाए हुए श्लोक दिखाई दिए, लेकिन वास्तव में जो श्लोक के रूप में ज्ञान सुनाने वाला है, गीता ज्ञान सुनाने वाला है, वो कहता है ना दत्ते कश्चित पापम पुण्यम। तो वो ऊपर वाला कहता है, नीचे वाला कहता है? है ऊपर वाला कह रहा है न मैं किसी को पुण्य देता हूँ न किसी को पाप देता हूँ। पाप और पुण्य अपने आप अपने लिए अर्जन करते हैं, न पाप बढ़ाता हूँ न पुण्य बढ़ाता हूँ न पाप घटाता हूँ। अपने अपने पुरुषार्थ से अपने पाप और पुण्य घटते बढ़ते हैं। और कौशल्या जिसके कर्मों में कुशलता भरी हुई है, क्या कौशल्या जिसके कर्मों में कुशलता भरी हुई है, सुमित्रा जो सुंदर मित्र हैं, क्या जो सुंदर मित्र है वो सुमित्रा। हाँ तो कौशल्या हुई जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की सीधी तने तना जाता है, उसको जन्म देने वाली है कौशल्या। सुनो तो वो कुशल है, उसके कर्मों में कुशलता भरी हुई है। उसके बाद दूसरा नंबर है जो दाई ओर की डालियां हैं, क्या बौद्ध धर्म है, सिख धर्म है, सन्यास धर्म है, जो प्योरिटी को फॉलो करने वाले हैं। हाँ वो भारत के सुंदर मित्र हैं, उनकी अम्मा भी सुमित्रा है,
उनको जन्म देने वाली कोई तो पहले नंबर होगी, वो सुमित्रा है। और जो कई कई खसम बनाती है, वो इस्लामी, क्रिश्चियन, मुस्लिम, नास्तिक, इन धर्मों की जो अम्मा है वो है कई कई। वो तो जमुना का सुमित्रा कौन है, कहा जाए देवी देवता सनातन धर्म में जो गंगा नदी है उसके किनारे कौन बैठते हैं? और सन्यास धर्म की शुरुआत कहाँ से हुई है? सन्यासियों से नहीं हुई है, पहले बौद्ध भी सन्यासी थे और बड़े सन्यासी हैं। तो ये सब सन्यास धर्म की माताएं हैं, सुमित्रा। तो बाबा गंगा वाली आत्मा का पर लागू हो सकता है क्या? सुमित्रा जो माँ है, सन्यासियों की माँ है, एक तो कहा जाता है गंगा, यमुना, सरस्वती। जो यमुना है वो सूर्य की पुत्री मानी जाती है। क्या? सूर्य की पुत्री मानी जाती है, उसमें गर्मी बहुत भरी हुई है। और जो गंगा है वो विष्णु के चरणों से निकली है, चरण अर्थात बुद्ध रूपी पांव से निकली है। तो विष्णु को तो सदैव अच्छा पार्षधारी दिखाया गया है, उनकी बुद्धि जो है, जो विष्णु का पार्ट है वो शांत है, जो गंगा भी निकलती है वो शांत चित्त है। और गंगा से पवित्र आत्माओं ने जन्म लिया है, भीष्म पितामह जैसी पवित्रता को पालन करने वाली आत्माएं। तो गंगा का पाठ जो है वो बौद्धियों के लिए, सन्यासियों के लिए और सिखों के लिए भी एक प्रकार से ज्ञान देने में श्रेष्ठ पाठ है। ज्ञान का जन्म देने में ये विशेष है, ज्ञान गंगाएं जो आज में भी निकली और अंत में भी निकलती है, बाकी बीच में ये माया बेटी का पार्ट है जो कई कई के रूप में दिखाया है। बाबा ये कर्ण वाली आत्मा को युधिष्ठिर और कर्ण कैसे साबित किया जाएगा, अलग अलग स्टेज की बातें? कर्ण वाली आत्मा, कर्ण वाली है, ब्रह्मा वाली आत्मा को कभी कर्ण भी बताया गया, कभी युधिष्ठिर भी कहा गया, तो दोनों तो दोनों। कर्ण जो है वो सूत पुत्र था, दासी पुत्र था या राजा का पुत्र था? क्या? दासी पुत्र था। तो ब्राह्मणों की दुनिया में पांडु से तो पांडव पैदा हुए। क्या? पांडु से पांडव पैदा हुए। और दासी पुत्र कौन बना? जिसने दासी का पुत्र बना। ये पांडव का सबसे बड़ा भाई विदुर बाबा, माता विदुर भी दासी पुत्र था, वो भी दासी पुत्र था, लेकिन विदुर जो है वो नीच में तीखा है, वीरता में तीखा नहीं है, लेकिन कर्ण को वीरता में भी तीखा दिखाया गया है। तो वो ऐसा दासी पुत्र है जो दिखाया गया है कि सुनने में बहुत तीखा है। क्या? तो हमारे ज्ञान यज्ञ में सुनने में तीखा कौन है? ब्रह्मा वाली आत्मा कारण है, बहुत तीखी है सुनने में। और जन्म किससे लिया?
पहला जन्म तो कुंती से लिया, लेकिन पालना किसने की? उल्टा कर दिया, यज्ञ के आदि में जो राधा का पार्ट है उससे जन्म लिया, और फिर प्रजापिता की शरीर छोड़ने के बाद पालना किससे ली? छोटी माँ से या बड़ी माँ से? बड़ी माँ, बड़ी माँ से पालना ली। तो बड़ी माँ का पार्ट तो तुलसी का है। तुलसी को आंगन में रखा जाता है कि बेडरूम में? आंगन में दासी बैठाई जाती है या पत्नी बैठाई जाती है? दासी बैठाई जाती है। तो ब्रह्मा वगैरह तो युधिष्ठिर का भी कभी बाबा ने बोला? वो अभी युधिष्ठिर का पार्ट है, ज्ञान छोड़ के भाग नहीं रही है। क्या? जो भाग जाए सो हार गया, वो भागने वाली नहीं है। यज्ञ में जब तक रही तब भी नहीं भागी। देहम वा पातयामि कार्यम वा साधयामि, भले देह छूट गई तो भी कार्य में लगी हुई है। हाँ, बात बुद्धि में नहीं बैठ रही है वो एक अलग बात है, बच्चा बुद्धि आत्मा है। बाबा बाबा तो आएंगे माता कन्या का मान सम्मान बढ़ाने के लिए। हाँ। तो जब बाबा जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ उस सभा में युधिष्ठिर जैसे ज्ञान में सीखे चलने वाले भी बैठे थे, और कर्ण भी बैठा था, और भीष्म पितामह भी बैठे थे, परंतु तो जब वस्त्र हरण हुआ उनमें से एक भीम था जिसने आवाज उठाया, उसको ने दबा दिया, बोला कि नहीं। फिर किसके अधीन था? फिर फायदा क्या हुआ? विरोध किया, विरोध किया, फायदा क्या हुआ? क्या विदुर ने विरोध नहीं किया? तो विदुर ने भी विरोध किया, लेकिन फायदा फायदा कुछ नहीं। तो भीम नाथ में युद्ध का समय तो उसको जो फट गया कि उसको सिद्ध कर सकता है ना, वो ठीक है, अंत में क्या किया लेकिन बेइज्जती तो हो गई। हाँ, जब तक आत्मा पावरफुल नहीं बनी है तब तक ना अपनी सुरक्षा कर सकती है और न कन्या माताओं की सुरक्षा कर सकती है। परंतु भाई ये इसी बात पर जीवन में चर्चा करते हैं, ज्ञान का संघर्ष होता है बहुत, अभी संघर्ष आमने सामने आने वाला है। जब आँखों के सामने एक एक तुम सब द्रौपदियाँ हो, एक एक द्रौपदी का चीरहा होगा, और भीम और नकुल और सहदेव और युधिष्ठिर कुछ नहीं कर सकेंगे। आज भी है जो लास्ट जो अंतम अभी सो गए बने निश्चय बुद्धि भी जैसे आत्मा के ऊपर निश्चय, बाप के ऊपर निश्चय, ड्रामा के ऊपर निश्चय, परिवार के ऊपर निश्चय, तो विजेते होंगे, आगे बढ़ेंगे। जितने बाबा के कार्य में आगे जाएंगे उतना तो आत्मिक स्थिति बढ़ेगी ना, आत्मिक परिवार के संगठन में आना, बाबा का संगठन क्लास करना, उतना तो आत्मिक स्थिति बनेगी। उसमें भी भाव क्या है, आते तो हैं लेकिन भाव श्रेष्ठ रहता है या निष्कर्ष भाव है? उदाहरण के लिए बाबा आते हैं लेकिन आने के बावजूद वाइब्रेशन खराब कर रहे हैं तो नुकसानदायक होंगे या लाभकारी होंगे? त्रिदेव के साथ त्रिदेव है, कौन सा देव का साथ कौन सा देवी कनेक्ट करे? त्रिदेव के साथ है, कौन सा देव का साथ कौन सा देवी कनेक्ट करे? नहीं, गंगा जमुना सरोवर तो नहीं है कनेक्टेड, लक्ष्मी पार्वती और सरस्वती है त्रिदेव के साथ। हाँ, जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा जिसको कहा गया है, ब्रह्मा जो सहनशीलता का पाठ बजाया, वो पहले था या अभी है? 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 पहले था
और अभी है या नहीं है? है? अभी भी है या नहीं है? है? किस रूप में है? है? नहीं नहीं, पूजा होती है कि नहीं ब्रह्मा की? माता के रूप में। ब्रह्मा की पुरुष रूप में पूजा नहीं होती, माता के रूप में पूजा होती है। कौन सा रूप है? जगदम्बा। तो जगदम्बा जो है उसके साथ जो सरस्वती वाली आत्मा है वो उसकी सहयोगिनी शक्ति है क्या? हाँ, जो विष्णु चतुर्भुज दिखाया जाता है उस चतुर्भुज में चार भुजाएं वर्तमान में हैं या पास्ट वाली भी ऐड की जाती हैं किसी के द्वारा? पास्ट वाली ऐड की जाती है। हाँ, वो किसी के द्वारा पार्ट बजाएंगी तो ऐड हो जाती है। तो ब्रह्मा के साथ सरस्वती भी है, ऐसे नहीं नेस्त नाबूद हो गई। और विष्णु के साथ लक्ष्मी भी है, ऐसे नहीं नेस्त नाबूद हो गई। और शंकर के साथ पार्वती भी है। हाँ, जो गंगा है जो यमुना है उन गंगा यमुना सरस्वती जो कहे जिनको कहा जाता है वो आदि में भी थी और अभी अंत में भी अच्छा हो जाएगी। वो तो सेकेंडरी सहयोगी हो जाते हैं। हाँ? युगल के बाद जो सहयोगी बनते हैं भगवान के सेकेंडरी गाय के लिए फर्स्ट नंबर उन्हीं का माना जाएगा। जो शरीर से संसार में प्रत्यक्ष होंगे वो फर्स्ट नंबर होंगे। और बाबा वैष्णो देवी को ब्रह्मपुत्र कहते हैं बाबा नदी में से। हाँ? और जगदम्बा को सरस्वती नदी। जगदम्बा नीची स्टेज में आती है या नहीं आती है? आती है लंबे टाइम तक। लंबे टाइम तक आती है। और जो वैष्णवी है ऊंची स्टेज में, वो पहले भी ऊंची स्टेज में थी और अभी भी ऊंची स्टेज में है और अंत में भी ऊंची स्टेज में रहती है। और जो उम्रद सरचो जिसने शरीर छोड़ दिया वो कौन सी नदी की गायन होती है? वो तो सभी देवियों में प्रवेश कर रही है, कोई पर्टिकुलर नदी का गायन नहीं होता है। देवी तो एक ही है लेकिन फिर जैसा निमित्त वैसा पार्ट बजाती है। और कृष्ण का पूंछ नहीं दिखाते हैं, कृष्ण को मोर का पंख दिखाते हैं। मोर जो है उसकी पूंछ सब पक्षियों के मुकाबले ज्यादा सुंदर होती है, होती है ना? पूंछ देह अभिमान की निशानी है। काय की निशानी है? देह अभिमान की निशानी है। कृष्ण में देह अभिमान तो है, काला कृष्ण पूजा जाता है, बिना देह अभिमान के काला कैसे होगा? लेकिन उसकी जो देह अभिमान की पूंछ है वो दुर्योधन दुशासन की तरह मार करने वाली नहीं है। क्या? जैसे दुर्योधन दुशासन तैस में आ जाते हैं और तैस में आकर के दूसरे का सुख दुख का परवाह नहीं करते और सत्यानाशी बन जाते हैं, ऐसे सत्यानाशी नहीं है वो देहाभिमान की पूंछ होते हुए भी सुखदाई है, दुखदाई दुखदाई नहीं। इसलिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या मोर माना जाता है। जानवर को पूंछ होता है? जानवर को पूंछ नहीं होता है, जानवर की निशानी ही पूंछ। हाँ, और पक्षी की निशानी? पक्षी की भी तो निशानी पूंछ होती है, कोई की छोटी कोई की बड़ी, कोई की सुंदर कोई की सुंदर नहीं। मतलब हाँ, वो भी
मोरनी की पूंछ उतनी सुंदर नहीं होती क्या? मोरनी की देह अभिमानी की पूंछ सुंदर होती है क्या? छोटी सी होती है। और मोर की बड़ी लंबी, और जब नाचता है डांस करता है तो फिर और ज्यादा फैल जाती, कितना सुहावना लगता है क्या? कि ज्ञान डांस भी करता जाए। अब जय अभिमान की पूंछ से जो काम करना है सो भी करता जाए, ऐसे हो सकता है क्या? लेकिन मोर में ये खासियत है, डांस भी करता है और सुंदरता भी दिखाता है, और ज्यादा सुंदरता बढ़ जाती है। शरीर तत्व में जो गंगा जमुना सरस्वती तीन नाड़ी है, शरीर तत्व में जो गंगा जमुना सरस्वती जो तीन नाड़ी है, सुषुम्ना हेड़ा पिंगला, अरे पिंग माने पिंगल वर्ण, यमुना हो गई, एड़ा माने गंगा हो गई, सुषुम्ना सरस्वती हो गई। और जो अब बोले हैं जो तुम सब द्रौपदियाँ हो, सब द्रौपदियाँ हो, सबकी बेइज्जती इस दुनिया में नुदी हुई है। हाँ, दुर्योधन दुशासन किसी को छोड़ेंगे नहीं, इस दुनिया में किसी की छुपी हुई नहीं रहेगी। ये दुर्योधन दुशासन ऐसे हैं, सबको नंगा करेंगे। आज बड़े प्यारे लग रहे हैं, आहा बहुत प्यार करते हैं, और कल क्या करेंगे? कल क्या करेंगे? ऐसा नंगा कर देंगे। जो सहारा देने वाला एक शिव बाबा, वो एक ही शिव बाबा है, लेकिन जो पांच पांडव है वो कौन है क्या? भीम, नकुल, आप पूछना क्या चाहते? पांच पांडव अलग अलग, हाँ वो अलग अलग धर्मों के मुखिया हैं। कोई सूर्यवंश का मुखिया है, कोई चंद्रवंश का मुखिया है, कोई इस्लाम का मुखिया, वो क्या नाम, बौद्ध धर्म का मुखिया है, कोई संन्यास धर्म का मुखिया है, और कोई सिख धर्म का मुखिया सहदेव है। वो एक पांडव की बात थोड़े ही है, एक जैसे अनेक हैं, लेकिन नंबर वार है। कोई अव्वल नंबर अर्जुन है, कोई दैम नंबर है। बाबा जब आते हैं तो वही देव का तरीका क्यों अपनाते हैं पति से पावन बनाने का? बाबा बहुतों का यही पावन से जब पतित बने तो बिना देह के बन गए है? पावन से देवताएं, फिर जब पतित बने तो देह को यूज किया या नहीं किया? देह के कोई खास अंग को यूज किया या नहीं किया है? यूज किया तो फिर उल्टा करना पड़ेगी नहीं? पतित बने अनेकों के संग के रंग से तो उल्टा कर दो, एक के संग के रंग से पावन बनेंगे। बाबा इसी से राजधानी स्थापना कोई कनेक्शन है? इससे कोई राजधानी स्थापना का कनेक्शन है? क्यों नहीं है? राजधानी स्थिर हो जाए और हिलती रहे, उसमें अंतर नहीं है। इम्प्योरिटी बढ़ेगी तो राजधानी हिलेगी या स्थिर हो जाएगी? हिलेगी। दुनिया में जितनी जितनी इम्प्योरिटी बढ़ती जा रही है उतने भूकंप बढ़ते जावेंगे, ज्वालामुखी फटते जावेंगे। बाबा एक देश में अनेक प्रांत रहते हैं, जैसे भारत में, भारत एक देश है उसको राष्ट्र कहते हैं, और अनेक प्रांत रहते हैं, और उस प्रांत के अपने अपने भाषा भी होती है और अपने अपने सरकार की जो अपने चिन्ह भी होते हैं। तो बाबा जैसे भारत का चिन्ह है त्रिमूर्ति है, भारत का जो है तीन मूर्ति का जो गवर्नमेंट का चिन्ह है त्रिमूर्ति, तीन शेरों का चिन्ह है। तो इसी तरह उड़ीसा का जो है घोड़ा है,
और क्यों? इसका जो जातीय जो चिन्ह है घोड़ा, घोड़ा के नीचे एक सैनिक रहता है, ऐसा रहता है घोड़ा, पैर ऊपर उठा के दौड़ता हुआ रहता है, उसके पीछे सैनिक तलवार पकड़ता है, नीचे सामने से एक सैनिक रहता है तलवार लेकर। वे उड़ीसा का सिंबल है, नेशनल सिंबल, गवर्नमेंट का सिंबल, प्लांट का सिंबल है। क्या सिंबल है? घोड़ा रहता है और एक सैनिक रहता है, दिखाने से पता चलेगा है क्या, जैसे सरकार का, भारत सरकार जो राष्ट्रीय उसका उड़ीसा सरकार का सिंबल है, स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो चिन्ह अलग अलग रहती है, तो यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट की जो है चिन्ह है वो घोड़ा है, उसके नीचे सैनिक दिखाया गया है। तो घोड़ा कौन है? ब्रह्मा बाबा। और उसके नीचे सैनिक कौन है? ब्रह्मा बाबा। सैनिक घोड़े के ऊपर सवारी करता है ना। बाबा वही हो गया बैल और शंकर की जैसे हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है? है एक होता है इनडायरेक्ट, अम्मा के थ्रू सीखना, क्या बाप की पढ़ाई कौन पढ़ाता है? अम्मा पढ़ाती है, बाप नहीं डायरेक्ट पढ़ा रहा है, डायरेक्ट देखने में कौन आ रहा है? अम्मा, ब्रह्मा। और एक जगह ऐसी पढ़ाई पढ़ाई जा रही है जहाँ बाप खुद देखने में आ रहा है, अम्मा नहीं देखने में आ रही है। कभी देखने में आती है, कभी नहीं आती है, लेकिन बाप जरूर देखने में आता है। तो नहीं समझ में आया है? आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखोगे। ये बेसिकली कट उतरने की बात है। जब बेसिकली आत्मा की कट उतर जाती है तो देहभान बेसिकली उतर गया तो मनन चिंतन मंथन शुरू हो जाएगा। क्या मनन चिंतन मंथन कब शुरू होगा? जब देहभान की कट उतरेगी बेसिकली, और जब फाइनल कट उतर जाएगी तो मनन चिंतन मंथन पूरा हो जाएगा। उसके बाद अब नहीं होगा बाबा। है उसके बाद अब मनन चिंतन नहीं होगा, अपनी स्थिति में टिक जाएंगे। बस निराकारी स्टेज, बाप साकार से आकारी बना, आकारी से निराकारी पे फिर साकार बनेगा। तो जब बाप बनेगा तो बच्चे नहीं बनेंगे बाबा। यज्ञ के आदि में 300-400 कन्याएं माताएं यज्ञ के बाबा के पीछे भागी थी, तो वो बाबा ने बोला प्रजापिता के पीछे। प्रजापिता की कहानी है, प्रजापिता की कहानी है, हाँ। तो व्यक्तित्व जिन्होंने शरीर छोड़ दिया उसी के ऊपर तो लागू होता है। हाँ जी। तो उनमें से वो माता कन्या कोई अभी जीवित होंगी कि नहीं होंगी? एक कोई जो तो जो प्रूफ दे सकती है कि हम लोग किसके पीछे भागे थे? एक मनोहर दादी के लिए बाबा ने बोला है कि सच्ची हिस्ट्री सुनाती थी, बाकी जितनी भी दीदी दादियां हैं सब झूठी हैं, वो सच्ची हिस्ट्री नहीं सुनाती हैं। उनको मनोहर दादी को कभी कोई पदमान मर्तबा नहीं दिया। क्या जो सच्ची कथा सुनाती थी, सच्ची कहानी, सच्ची हिस्ट्री सुनाती थी यज्ञ की, उसकी सच्चाई की वजह से वो झूठों ने कभी भी उनको कोई सेंटर का, बड़े सेंटर का इंचार्ज नहीं बनाया, कभी कोई जोन का इंचार्ज नहीं। जिंदगी भर भटकती रही, यहाँ ज्ञान, यहाँ सुनाओ, वहाँ सुनाओ, वहाँ स्थिति खराब हो रही है, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ये करो वो करो, कभी भी कोई पदमान मर्तबा नहीं दिया। वो एक ही थी। अभी जो बाबा अभी निमित बनकर बने बैठे हुए हैं वो तो नहीं भाग बेचारा। हाँ बाबा, अभी जो निमित बन करके बैठे हैं दादी दीदी जो है वो तो उस समय नहीं भागी थी। हाँ? वो तो उनके पीछे भागी, जो 300-400 कन्या माताओं के पीछे भागी थी। हाँ? वो तो उस समय आईडी के नहीं कहेंगे इनको। हाँ? अभी जो दादी दीदी है। हाँ? वो तो बाबा ये आदि में नहीं भागी थी।
क्यों? कि वो भी इनके लिस्ट में थी, बुढ़ी हो गई दादी दीदी जी। क्यों वो उनके लिस्ट में आएंगे? आदिवासी नहीं है कोई, सली छोड़ दिया, और जो आदिवासी है वो जैसे गंगे दादी है आदि में थी, उन्होंने सली छोड़ दिया। अब एडवांस की दादी आ गई होंगी गंगे दादी, तो उनका काम खत्म। तो बाबा ये जो कलकत्ता के जो इंचार्ज है जो निर्मल शांता दादी परदादी, वो तो उसको तो अडॉप्ट भी किया गया था, पूजा पहले आत्मा ने लिया था, वो भी भूल गई बाबा। क्या? उसको तो पोष्य पुत्र पुत्री किया गया था ना, है जो सेवक राम उसको अपना पुत्री बनाई थी। हाँ वो भी बाबा को भूल गई, वो किसके पीछे भागी थी बोलते। उनको दवाएं पे इंजेक्शन दे दे करके उनकी स्मृति खत्म कर दी। सजाएं मिलेगी कि नहीं बाबा? ऐसे ऐसे गंदे काम करने वाले बैठे हुए हैं, उनको बाहर से मान मर्तबा दे देते थे मधुबन बुला करके, लेकिन वहाँ दवाई के नाम पर उनको गंदे वो इंजेक्शन दे दे करके उनकी स्मृति खलास कर दी। उन्हें कुछ नहीं याद रहा यज्ञ के आदि का। कैसे जाएगी तो कोर्ट में केस भी कर सकते हैं। है निर्भर घड़ी और पिछली घड़ी में क्या अंतर है? घड़ी दो तरह की होती है, लीवर माने ये लीवर हृदय नहीं 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 वो दिल नहीं 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 इसको कहते हैं जिगर जिगर जिगर। तो ये यूं 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 करता है क्या? हार्ट नहीं, हार्ट नहीं, ये लीवर चक्रुत बाबा कहते हैं। हाँ हाँ तो ये लीवर है। ऐसे ही वो एक घड़ी में एक इस तरह का वो होता है, वो नहीं 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 एक स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग होती है, वो एक बार हिल जाए तो उसमें जब तक वो पेंडुलम लगा रहेगा तो हिलता ही रहेगा, और लीवर घड़ी है। और अभी जो बाबा बैटरी की घड़ी है, अभी जो बैटरी वाली, अभी तीसरी और बन गई बैटरी वाली है। जब तक बैटरी है तब तक चलती रहेगी। अच्छा है, इसमें भी कुछ है। नंबर वन धूता व्यास बताया है भक्ति मार्ग में, ज्ञान में कौन है? है अरे ज्ञान में कौन है? है अरे ज्ञान में कोई है? नंबर वन धूता, अब जब भक्ति मार्ग में नंबर वन धूता है तो ज्ञान में कोई होगा या नहीं होगा? कौन है? अरे ये जगदीश, अरे व्यास कोई एक नहीं हुआ है, व्यास की गद्दियां चली हैं। क्या? अव्वल नंबर व्यास वो था जिसने मुख से सब कुछ बोला। क्या? और बाद वाले व्यास वो हुए जिन्होंने लिखा पट्टी की। तो शास्त्रों में आता है कि व्यास बोलते जाते थे, शर्त ये थी कि जितनी तेजी से हम बोलेंगे उतनी तेजी से तुम लिखोगे। गणेश जी का गया। तो गणेश जो जानवर के रूप में दिखाया जाता है, तो कौन है? कौन है? ब्रह्मा बाबा गणेश। उन्होंने फटाफट लिखा, कभी लिखते हुए आपने देखा? हाँ बाबा लिखवाते थे, है लिखाते थे 12 बजे करके।
दो बजे उठ करके बाबा लिखवाते थे, नहीं बाप लिखवाते थे और ये ब्रह्मा लिखते थे 12-13 पेज और फिर क्लास में सुनाते थे। तो पहला गणेश कौन हुआ? ब्रह्मा बाबा हुआ। वो नंबर दो का व्यास हो गया। फिर सीढ़ी दर सीढ़ी, सीढ़ी दर सीढ़ी, वो सारे व्यास होते, व्यास गद्दी चल गई। आज भी कोई बैठते हैं तो उनको कहते हैं व्यास गद्दी पे बैठो, ये परंपरा चल गई। तो अव्वल नंबर व्यास कौन हुआ? जिसने आदि में बीज डाला वो हुआ अव्वल नंबर व्यास। बाबा इसी संदर्भ में एक बात है, जब गणेश लिखते थे हाँ। उसी समय उनका स्याही खत्म हो गया तो उन्होंने एक दांत तोड़ करके लिखना शुरू कर एकदम तदयावंत। सो तोड़े ही है, उनके तो दो दांत थे, एक दांत को परशुराम ने तोड़ा था, इसलिए इसलिए एक दांत पूरा था, एक दांत टूटा हुआ था, इसलिए उनको एक दंत दयावंत कहा जाता है। है झूठा व्यास कौन है? नहीं नहीं ये पूछा है इन्होंने, नंबर वन धूसा व्यास को कहा गया भक्ति मार्ग में, तो ज्ञान मार्ग में नंबर वन कौन है? धूसा है, उसमें शिव बाबा प्रवेश नहीं करता है ना, भूल गया बेचारा बच्चा। धूता माने धूर्त, धूर्त जो सबको बेवकूफ बनाए। शिव बाबा प्रवेश करते हैं, शिव बाबा प्रवेश करते हैं, लेकिन तुम्हारी दृष्टि में कौन है? मेरे दृष्टि में तो बाबा मैं तभी जल्दी तो बताया, पूछा गया तुमसे तो तुमने कौन बताया? अभी तो बाबा बताया ना, तो उसमें शिव बाबा नहीं होता है, वो धूर्त है। अरे बेचारा सकते में आ गया, जल्दी से नाम फेलर होता है ना? नहीं वो तो लास्ट नंबर का है, जब बाबा नहीं होते तब वो धूर्त है, जब शिव बाबा प्रवेश नहीं करते तब धूर्त। अच्छा बाबा ने आपको ये पढ़ाई पढ़ाई है कि तुम ऐसे समझो कभी होता है कभी नहीं होता है, बाबा तो डायरेक्शन दिया है तुमको क्या, कि तुम ऐसे समझो कि सदैव शिव बाबा ही है, कभी है और कभी नहीं है, तो उल्टा असर हो जाएगा तुम्हारे ऊपर। अभी तो कॉन्फ्यूज हो गया, अभी बताया, कान पकड़ रहे हैं। बाबा जैसे बाप होता है अपने बच्चे को सब कुछ कहे, कोई क्या करेगा, तो कहने वाला कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा अपने बच्चे को कहता है नंबर वन व्यास है झूठा, कोई यादगार भी होगी, यादगार भी होगी, यादगार मंदिर को कहा जाता है। वो कौन सा मंदिर है जिस मंदिर में नंबर वन धूता की यादगार बनी हुई है? नंबर वन धूर्त वो होता है जो सबको धूर्त बना, सबको धूर्त बना दे, मूर्ख बना दे है? हम मंदिर पूछ रहे हैं यादगार, उसका तो ब्रह्मा की यादगार है, ब्रह्मा तो नंबर दो का हुआ, यह तो नंबर वन बताया है। अरे कमाल है, तिरुपति में जाके जो जाता है सो सड़मुड़ा के आता है। बाबा कहते माया क्या करती है? माथा मूड लेती है। ऐसे ही वो तिरुपति जो महाराज है ना, वो क्या करते हैं? सांप का माथा मूड लेते हैं। ये पढ़ो और इसका अर्थ बताइए, वो क्या लिखा है इन्होंने, उड़िया क्या है? बाबा जो बीज ऊपर में होता है वो नीचे आता है, ये तो हो गया। अच्छा ब्राह्मण चोटी देवता सिर क्षत्रिय भुजाएं वैश्य पेट
शूद्र पैर, इसका अर्थ क्या है? है? अरे इसका सीधा अर्थ है, ये मनुष्य शक्ति रूपी विराट रूप है। क्या? इस विराट रूप में जो चोटी है वो संगम युग, सतयुग क्या है? मस्तक है, त्रेता है भुजाएं, और द्वापर है जंगा और पेट, और नीचे का हिस्सा शूद्र कलयुग। कलयुग क्या है? शूद्र नीचे हिस्सा। जय और विजय का अर्थ क्या है? जय माने जीतना, और विजय माने विशेष जीत, ऐसी जीत जिससे बड़ी जीत कभी होने वाली नहीं है और ना पहले कभी हुई थी। है? बाबा जो आत्माए ज्ञान को बीच में छोड़ करके बच्चे बच्ची पैदा करके फिर दोबारा भक्ति नहीं करके बाबा का क्लास में आ जाती है, उसका ऊपर पाप चढ़ेगा या उसको बुलाने वाले के ऊपर पाप चढ़ेगा? बुलाने वाले के ऊपर भी चढ़ेगा, और जो एक बार ज्ञान में चल चुका है जानता तो है फिर भी आके बैठ जाता है, दोनों के ऊपर चढ़ेगा। हाँ सब कुछ खाते हैं। हाँ हाँ तो क्या बनेंगे? तो क्या बनेंगे है? नहीं, जैसे बाबा कहते हैं कोई विकार में जाते रहते हैं और क्लास में आके बैठ जाते हैं कि देखे ये पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं। बाबा कहते हैं मुझे क्या पड़ी है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। तो ऐसे ही ईश्वरीय नियमों को जो तोड़ता है उसको उसका फल यही भोगना पड़ेगा। अभी तो बाप प्रत्यक्ष नहीं है, गुप्त पाठ बजाय रहा है या प्रत्यक्ष है? गुप्त पाठ बजाय रहा है। उसके बाबा क्लास नहीं आते हैं, ऊपर से गंदे समझ सकते हैं फिर भी आ जाते हैं। हाँ जी, लो हो गया ये सब।